हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। आर्ट एंड कल्चर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में और इन सब के बारे में देखा था। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सूफिज्म के बारे में और इस तरीके से जो हमारा ये रिलीजन रिलेटेड जितना भी डिस्कशन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए भक्ति मूवमेंट के बारे में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए आर्ट एंड कल्चर की एक फुल फ्लेज्ड कोर्स भी स्टार्ट हो रही है 16th of August से और इसमें प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस सबकी ही प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो इंटरेस्टेड वंस जो होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। भक्ति मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर जो कह लीजिए कि बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, बेसिक नेसेसिटी का मतलब द फाइनल गोल जो है वो मोक्ष है, मोक्ष दैट इज द सेल्वेशन। तो इस सेल्वेशन या फिर मोक्ष की प्राप्ति करना ही जो होता है इनका परम उद्देश्य है या कह लीजिए कि जो होता है फाइनल डेस्टिनेशन है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बेसिकली तीन रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता बताया गया है नॉलेज, दिस इज नॉलेज। दूसरा बताया गया है वर्क, मतलब कंडक्ट के बेसिस पे या फिर बोल सकते हैं इसे आप कर्म के बेसिस पे। और तीसरा बताया गया है भक्ति के माध्यम से। भक्ति जो नॉलेज है बेसिकली वो उपनिषद पढ़ने से आ जाती है, उपनिषद या फिर वेदास या जितने भी हमारे पुराण्स हैं तो ये हो जाती है वेदास एंड ऑल दैट। कंडक्ट ये बेसिकली गीता में बताया गया है इसके बारे में। भक्ति मूवमेंट ये बेसिकली बताया गया कि आप ईश्वर की आराधना में, मतलब कि जो भी आपके गॉड है उनमें, उनकी भक्ति में आप लीन हो जाइए और इस तरीके से जो होता है अगेन सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और ऐसा बताया गया हिंदू माइथोलॉजी में। भक्ति मूवमेंट की जो अगर शुरुआत बोली जाए तो देखिए 14th century से ऐसा माना जाता है, लेकिन इसकी जो बेसिस है वो बेसिकली 6th to 7th century में ही रख दी गई थी, जब भागवत, जो कि हम लोगों ने कल बात किया था, भागवत सेक्ट और शैव सेक्ट सामने निकल करके आई थी। भागवत सेक्ट को फॉलो करने वाले अलवार्स कहलाए, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था मैंने, और शैविज्म को फॉलो करने वाले नयनार्स कहलाए। तो ये बेसिकली अलवर्स और नयनार कहीं ना कहीं ये भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं 6th to 7th century के बीच में, लेकिन एक्चुअल में जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है 14th century से। तो इफ इन केस अगर क्वेश्चन आए तो अकॉर्डिंगली आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए भक्ति मूवमेंट में तो देखिए भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 7th century इन तमिल साउथ इंडिया, नाउ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, एंड स्प्रेड नॉर्थवर्ड, इट स्वेप्ट ओवर ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द 15th century ऑनवर्ड्स, रीच्ड इट्स पीक बिटवीन 15th and 17th century। अब ये जो पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट है बेसिकली जहां पर स्टार्ट होती है 6th to 7th century जैसा कि बताया गया था, तो पहले हम लोग जरा इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि पहले हम लोग बात कर लेते हैं अलवर्स एंड नैनार्स के बारे में। तो अलवर और नैनार के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए जो अलवराइट्स थे ये बेसिकली वैष्णव थे, इन्होंने वैष्णव की जो होती है मतलब विष्णु की पूजा की थी, और जो नैनार्स थे ये बेसिकली शैवाइट्स थे, ये शैव को फॉलो करते थे। वैष्णव के बारे में अगर बात किया जाए तो टोटल यहाँ पर जो होता है 12 लोग थे जो इन्होंने अलवराइट्स थे बेसिकली, जो अलवर्स फॉलो करते थे या फिर भक्ति जो है वो अलवर के माध्यम से किया करते थे। जबकि शैविज्म में अगर बात किया जाए तो टोटल मार करके 63 लोग हैं। अब ये 63 लोग हैं तो देखिए इनका नाम याद रख पाना इस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और रखना भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के नाम आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर तियना, दिस इज तियना, या फिर तिरु ज्ञान समंदर, दिस इज तिरु ज्ञान समंदर, ठीक है। इसके अलावा सुंदर मूर्ति, दिस इज सुंदर मूर्ति, एंड लास्ट वन इज द मणिकर वाचकर। तो ये बेसिकली आप देखिए पूरा पूरा नाम याद रखेंगे तो ये थोड़ा समय भी आप लोगों के लिए टफ होगा, तो शॉर्ट नेम आप याद रख सकते हैं, जैसे तियाना हो गए या फिर जो है
तिरु हो गए, तिरु ज्ञान समंदर जैसे बोलते हैं, तो तिरु या फिर ज्ञान समंदर से याद रख सकते हैं। इसके अलावा माणिक से याद कर सकते हैं माणिक वाचकर को, और सुंदर से याद रख सकते हैं सुंदर मूर्ति को। तो अगेन जो होती है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना करके याद करेंगे तभी आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। फिलहाल अगर वैष्णवाइट्स के बारे में बात करें तो ये 12 लोग हैं। 12 लोग भी बेसिकली जो होते हैं वो चार डायनेस्टीज में फैले हुए थे। अगर हम लोग अपने साउथ इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के दौरान में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पल्लव थे, पल्लव के जस्ट नीचे जो थे वो चोल थे, और यहाँ पर चेरास थे, और यहाँ साउथ में पांड्यास थे। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। पल्लवाज में जितने भी मतलब 12 लोगों में से जो लोग थे, पहले तो आसान वाला याद कर लीजिए, जो चेराज हैं यहाँ पर सबसे आसान एक ही लोग है, दैट इज कुलशेखर, दिस इज कुलशेखर। इसके अलावा बाकी लोगों में अगर बात करेंगे तो पल्लव के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, दिस इज भूपति, दिस इज भूपति। अब ये भूपति का मतलब क्या है, दिस इज भूपति, ठीक है। तो भू से हो जाता है भूतार, भूतार। देखिए नाम याद रखना थोड़ा सा टफ जरूर होगा, लेकिन नाम याद रखना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं इस पे बन जाते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। प से दो लोगों का नाम याद रखिएगा, पो और पेय। तो बेसिकली ये पोय और पेय दो लोग हैं, मतलब है इनका पूरा बड़ा सा नाम है, बट नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट करेक्ट इट थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको केवल और केवल नाम याद रखना चाहिए, बाकी ती से आप यही जो तिरु ज्ञान समंदर है यही यहां पर भी है। तो बेसिकली इन्होंने दोनों फॉलो किया हुआ था, दिस इज तिरु ज्ञान समंदर समंदर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जो भूपति के नाम से हो जाता है। सिमिलरली अगर चोल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर जो है चोल के तरीके से याद कर सकते हैं, तोंडर तिरु पान मंगाओ, तो दिस इज तोंडर तिरु, तिरुवल्लुवर थे ये बेसिकली, तिरु पान, पांचाओ थे, और मंगाओ, मंगाओ। तो ये बेसिकली जो होता है इस तरीके से नाम आप याद कर सकते हैं। लास्टली जो होते हैं पांड्यास में जो होते हैं, देखिए यहाँ पर अंडाल थी, अंडाल ये एकमात्र जो थी वो लेडी थी, अंडाल हो गई। अंडाल के अलावा यहाँ पर अंडाल पर, अंडे पर आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, पर का मतलब होता है परलियार, तो अंडाल पर मधुर, मधुर और यहाँ पर मधुर के साथ नम, नमाली इसका पूरा नाम था। तो ये बेसिकली जो होते हैं कुछ अल्वराइट्स थे, नाम याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है। ट्रिक भी आपको बता दिया गया है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो ये थी बेसिकली वैष्णव और शैव के बारे में, फटाफट इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो अलवर्स एंड नयनार लेट सम ऑफ द अर्लिएस्ट भक्ति मूवमेंट, जैसा कि ऑलरेडी बताया कि 6 to 7 सेंचुरी के बीच में ये पूरी की पूरी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अलवर्स वो थे जो बेसिकली डिवोशन टू द विष्णु, मतलब कि विष्णु की पूजा कर रहे होते थे, और नयनार्स वो थे जो लॉर्ड शिवा की मतलब डिवोटीज थे, लॉर्ड शिवा के कह लीजिए कि जो होता है आराधना करते थे, उनको फॉलो करते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल प्रेजिंग देयर गॉड। तो इस तरीके से ये जो होता है तमिल लैंग्वेज में जो होता है अपनी गान बदान करते थे। बेसिकली ये लोग जो है वो संस्कृत यूज किया करते थे उस समय। अल्वराइट्स एंड नयनार्स initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of brahmanas, or at least attempted to reform the system. This is supported by the fact that bhuktas or disciples, jo bhakt hai, sorry this is bhaktar, bhakt hai ye, bhakt ya fir disciples hailed from diverse social background ranging from brahmanas to artisans. Jaisa ki already aap logo ko pata hai कि जो सोसाइटी थी वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर शूद्र को तो बिल्कुल भी, अनटचेबल को बिल्कुल भी कह लीजिए भक्ति वगैरह करने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए ऐसा है कि भगवान की आराधना करने के लिए किसी को भी रोका नहीं जा सकता है, और इस वजह से इन्होंने भी कहा कि कास्ट सिस्टम के हम अगेंस्ट में है, कास्ट सिस्टम का इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने कहा कि देखिए सबको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ का एक ही मकसद है, एक ही एम है, दैट इज द अटेनमेंट ऑफ द सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना ही अल्टीमेट गोल है सबका। तो यहां से जो कह लीजिए कि ये जो सोशल बैकग्राउंड थी वहां पर हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिलना शुरू हो जाता है। नयनार्स जो थे यहाँ पर जो होता है नलीरा देव प्रधान, मतलब कि 4000 सेक्रेट कंपोजिशन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ 12 अलवर्स। तो 12 अलवर के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि 4 किंगडम में फैले हुए थे, वन वॉज द पल्लव, सेकेंड वॉज द चेर, थर्ड वॉज द चोल, एंड लास्टली जो है वो पांड्य
इन चार जगहों पे ये लोग फैले हुए थे और इन्होंने जो होता है वो कंपाइल किया हुआ था, तो नॉट एज सच इंपॉर्टेंट इतना, लेकिन खैर फिर भी आप जानते रहिए. इट वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड इन तमिल वेद दस क्लेमिंग दैट द टेक्स्ट वॉज एन सिग्निफिकेंट एज द फोर वेदास इन संस्कृत वर चेरिस्ड बाई द ब्राह्मणास. तो इस तरीके से जो वेदास थे देवर ओनली चेरिस्ड बाई द ब्राह्मणास, तो इस वजह से इनको जो है फ्रीक्वेंटली तमिल वेद में जो होता है वो डिस्क्राइब किया जाना शुरू हो गया था. फ्रॉम अ कंपोजिशन ऑफ एन अलवर नेम्ड तोंडा दिरुपोडी अ ब्राह्मण मेंशन चतुर्वेदिन्स आर स्ट्रेंजर एंड विदाउट फेथफुलनेस टू योर सर्विस. तो ये बेसिकली है क्या यहां पर चतुर्वेदिन्स का मतलब कि जरा ध्यान से फिर से समझिएगा. ये जो चारों वेद है बेसिकली उन्हीं को कहा गया कि जो होता है दे आर द स्ट्रेंजर्स एंड विदाउट फेथफुलनेस टू योर सर्विस. इतना इंपॉर्टेंट है सच नहीं है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ही देख ली थी. इसके अलावा तेवारम के बारे में बात करें तो इट इज अ कलेक्शन एंड कंपाइलेशन एंड ऑफ द जो भी हमारी इस समय की फिलोसफीज थी एंड क्लासिफाइड इन द 10th सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग ऑफ अपर समंदर एंड सुंदरार. तो ये जो अपर समंदर और सुंदरार है ये बेसिकली जो होते हैं वो अलग अलग जैसे कि वैष्णवाइट एज वेल एज शैविज्म मतलब कि नयनायर, इन दोनों लोगों से ही बेसिकली ये कह लीजिए कि संबंधित थे, इनसे रिलेटेड थे. आगे अगर बात किया जाए वुमेन डिवोटी के बारे में तो हम लोगों ने एक का नाम तो देख लिया अंडाल के बारे में. अंडाल के बारे में अगर बात करें तो अ वुमेन अलवराइड द कंपोजिशन ऑफ अंडाल वर वाइडली संग एंड कंटिन्यूज टू बी संग इन द डेट. अंडाल सॉ हरसेल्फ एज द बिलव्ड ऑफ विष्णु एंड हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डाइटीज. दूसरे जो थे मतलब कि दूसरी जो महिला थी वुमेन डिवोटी थी उनका नाम था करेक्कल अमियार. ये जो होती हैं दूसरी वुमेन थी और ये नैनार वाले कह लीजिए कि सेक्ट में थी, नैनार वाले कैटेगरी में थी और ये शिवा की डिवोटी थी. शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्थेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल. जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था शैविज्म के बारे में कि यहां पर जो होते हैं शैव होते हैं फिर पशुपत होते हैं फिर कापालिक लोग होते हैं, तो मतलब कि ये लोग जो होता है एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द एक्सट्रीम पाथ अपनाते हैं जहां पर राख लगाते हैं और जो स्कल है उसमें खाना खा रहे होते हैं सुरापान कर रहे हैं, तो मतलब कई सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट चीजें होती हैं जिनसे जो होते हैं लॉर्ड शिवा जो होते हैं वो खुश होते हैं. आगे अगर बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर शंकराचार्य के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है और बचपन में आप लोगों ने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा भी होगा अगर आप यूपी बोर्ड के होंगे तो. तो शंकराचार्य के बारे में यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो जन्म हुआ था मतलब इनका जो बर्थ हुआ था वो बेसिकली केरला में हुआ था लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो केदारनाथ में हुई थी. दिस इज इन केदारनाथ. इन्होंने आपको पता ही है कि उपनिषद का जो है वो कंपाइलेशन किया हुआ था लेकिन 10 ही उपनिषद का ये कंपाइलेशन कर पाए थे, बाकी इसी वजह से आज की डेट में भी पढ़ी नहीं जा सकती. इट इज वेरी हार्ड टू रीड द उपनिषद, उनको कंप्रीहेंड कर पाना बड़ा मुश्किल है. हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट गिविंग अ न्यू प्लेसमेंट तो हिंदुज्म वॉज स्टार्टेड बाई शंकरा. अब इसमें हो क्या रहा था अगेन थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा. शंकराचार्य जब साउथ में थे उस समय तक बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी ज्यादा अपने जेनिथ पे थे. इनफैक्ट जो है अशोका के बाद में बाकी जितने भी लोग थे वो लोग कंटिन्यूसली पैटर्नाइज कर रहे थे बुद्धिज्म और जैनिज्म में, जिसके कारण से जो वैदिक सोसाइटी थी या फिर कह लीजिए जो ब्राह्मणिज्म था वो कहीं ना कहीं अपने कॉर्नर साइड में आ गया था. इस वजह से शंकराचार्य ने एक कह लीजिए कि जो होता है नव ब्राह्मणवाद या फिर नियो ब्राह्मणिज्म जो होता है एक नया सेक्ट चलाया था नियो ब्राह्मणिज्म. दिस इज इंपॉर्टेंट हियर नियो ब्राह्मणिज्म. इन्होंने क्या किया था कि ब्राह्मणवाद वापस से इन्होंने शुरू किया और बुद्धिज्म और जैनिज्म को कहीं ना कहीं इसको कंपीट करने की कोशिश की थी, मतलब उसके ऊपर जो होता है इसको वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी. यहां पर वापस से जो भी ब्राह्मणों का अस्तित्व जो भी यहां पर कह लीजिए कि इनकी पोजीशन थी जो घट रही थी या फिर जो होती है साइड हो रही थी उसको वापस से जो होता है रीइंस्टेट किया और इस तरीके से जो होता है इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है ब्राह्मणिज्म को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की. यह अवतारवाद के मतलब इनकार्नेशन के सपोर्टर थे और इन्हें खुद भगवान विष्णु का ही जो होता है एक अवतार माना जाता है. इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मसूत्र लिखा हुआ है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता इसका जो होता है कंपाइलेशन किया हुआ है, ब्रह्मसूत्र लिखा हुआ है. इसके अलावा इन्होंने
कह लीजिए कि जो होता है प्रस्थान त्रयी भी लिखा हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रस्थान त्रयी, ठीक है, प्रस्थान त्रयी भी इन्होंने लिखा हुआ है। कालाडी में इनका बर्थ प्लेस है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। हिज डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोइज्म और अद्वैत वाज टू एब्स्ट्रैक्ट टू अपील टू द कॉमन पीपल। इन्होंने अपनी जो डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोइज्म, या इसी को ही अद्वैतवाद बोला जाता है, दिस इज इस तरीके से लिखा जाएगा, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के बेसिकली तीन एलिमेंट हुआ करते थे, तीन एलिमेंट में एक थी एलिमेंट जिसको बोला जाता है तत्व, दूसरा होता है जिसको ज्ञान बोला जाता है, और तीसरा बोला जाता है आचरण। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा कि देखिए, वी हैव टू मटेरियलाइज द थिंग एंड वी हैव टू गेन द नॉलेज ऑफ दैट मटेरियल, अकॉर्डिंगली वी हैव टू अडॉप्ट दैट नॉलेज इन आवर कंडक्ट या बिहेवियर। तो ये बेसिकली इनका जो फिलोसफी था, इनका जो डॉक्ट्रिन था, वो था अद्वैतवाद का। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इन्होंने देखा कि देखिए, जिस तरीके से बुद्धिज्म है वो अपना एक काउंसिल बना करके, जैन अपना एक काउंसिल बना करके, कह लीजिए कि जो है ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म को कंटिन्यूअसली आगे प्रोफेस करा रहा था या उसके बारे में बता रहा था, सिमिलरली इन्होंने कहा कि हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या है, तपस्या संघ, तपस्या काउंसिल जो है वो एस्टैब्लिश किया था। तो इन्होंने एक तपस्या काउंसिल बनाया। इस तपस्या काउंसिल में इन्होंने कहा कि देखिए, वी हैव टू प्रोपेगेट द फिलोसफी ऑफ द न्यू ब्राह्मणिज्म। तो जो भी न्यू ब्राह्मणिज्म की फिलोसफी थी, उनको कहा कि हमें यह आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने कह लीजिए कि नए नए संप्रदाय भी इन्होंने स्थापित किए हुए थे। कौन से संप्रदाय थे, मतलब कि कौन से सेक्ट थी, इसको बोलते हैं स्मृति सेक्ट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये सेक्ट वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसने इसे एस्टैब्लिश किया या ब्रेन चाइल्ड कौन है, तो आप बता देंगे स्मृति सेक्ट के शंकराचार्य इनके ब्रेन चाइल्ड है। इसके अलावा इन्होंने पंचदेवोपासना के बारे में बोला, पांच देवों की उपासना करना, पंचदेवोपासना। ये पंचदेवोपासना का मतलब क्या है, पांच देवताओं की इन्होंने आराधना करने को, मतलब कि उनकी वर्शिप करने को बोला था। इन्होंने क्या है, चार धाम, मतलब कि चार धाम का मतलब कि चार जगहों पे इन्होंने मठ स्थापित किए हुए थे। एक था जो विष्णु के लिए था, सेकंड वाज कृष्णा के लिए, थर्ड वाज अगेन कृष्णा के लिए, एंड फोर्थ वन वाज फॉर लॉर्ड शिवा, शिवा के लिए था। शिवा के लिए अगर बात करें तो देखिए, ये थी मैसूर में और इसका नाम है श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ। ये सब अगेन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कृष्ण के लिए जो दो बनाया गया था, वन वाज द गोवर्धन, एक जो है वो गोवर्धन था, और दूसरा जो था वो द्वारका में, द्वारकापुरी में शारदापुरी के नाम से था, दिस इज शारदापुरी। और विष्णु के लिए जो बनाया गया था, वो बेसिकली जो होता उत्तराखंड में बनाया गया था ज्योतिर्दर्शन के नाम से, दिस इज ज्योतिष दर्शन। तो आई बिलीव आप लोग को दिख रहा होगा, ऑल दो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर हो गया है, बट स्टिल समझ गए होंगे क्या चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। शिव को इन्होंने बोला था जगत गुरु, ये जो है वो जगत, दिस इज जगत गुरु है। और विष्णु को इन्होंने बोला हुआ था कि ये लोग जो है वो महान है, ये लोग जो होते हैं वो काफी महान है। तो ये बोला गया था हमारे इन शंकराचार्य के द्वारा। अद्वैतवाद कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें तो दिस इज बेसिकली निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म क्या होती है, अभी आगे बात करेंगे। निर्गुण ब्रह्म का मतलब होता है जिसका कोई कह लीजिए कि स्टैच्यू नहीं, मतलब कि वो कोई सामने से नहीं दिख रहे हैं। यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू गेट द फिलोसफीज ऑफ दैट गॉड, उनके बारे में आपको जानने की जरूरत है, उनको फील करने की जरूरत है, बजाय उनको कि इनकार्नेट कर दीजिए। रिसीव्ड कंट्राडिक्टरी रीजन रिएक्शन विद द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ सगुण ब्रह्म। तो सगुण का मतलब वही गॉड विद द एट्रीब्यूट्स। आगे अगर बात किया जाए तो हमारे पास कुछ सेक्ट है और उनके प्रिंसिपल, उनके प्रोफाउंडर हैं। अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। इस टेबल को पूरा याद रखिएगा, अगेन एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा जहां से आप याद कर सकते हैं। यहां पर देखिए, ये सेक्ट अलग अलग सेक्ट है और इस सेक्ट से रिलेटेड प्रोफाउंडर हैं जो कि अपने अपने प्रिंसिपल बेसिस पे बनाए गए थे, और इनकी कुछ कुछ राइटिंग्स है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रोफाउंडर कौन है, तो आप बता देंगे कि जो है रामानुजाचार्य है। तो इसी तरीके से बात करेंगे। अगर वैसे भी हम लोग क्वेश्चन आंसर जो होता है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल सूफिज्म कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन ही देखेंगे। वैष्णव सेक्ट में अगर बात किया जाए तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल आता है विशिष्ट द्वैतवाद का, दिस इज विशिष्ट द्वैतवाद।
काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी रही है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो बेसिकली रामानुजाचार्य थे। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगेन जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है वो तो हमें पता चल गया कि ये मतलब वैष्णव और शैव से स्टार्ट होती है, मतलब कि कह लीजिए कि अलवर और नैनार से शुरू होती है, लेकिन जो 14th सेंचुरी में शुरू होती है वो बेसिकली अलग अलग जगहों पे शुरू होती है। जैसे कि साउथ इंडिया में जो प्रोफाउंडर थे, मतलब कि जिन्होंने इस भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी, वो थे रामानुजाचार्य, यही रामानुज थे, यही वाले। और जो नॉर्थ इंडिया की ओर गए वो बेसिकली इन्हीं के शिष्य थे, इन्हीं के डिसिपल थे, जिनका नाम था रामानंद। दिस इज रामानंद। रामानंद ने इन दोनों लोगों के फिलॉसफी में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसा रामानुजाचार्य थे जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज को बेसिकली यूज करते थे, लेकिन अब सीधी सी बात है, आम जनता संस्कृत तो जानती नहीं है। आम जनता जब संस्कृत नहीं जानेगी तो क्या होगा, वो अब धीरे धीरे इनको फॉलो करना बंद कर देगी। जैसे हमारे अगर करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात किया जाए तो वो बेसिकली क्या है, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जिससे कि वो लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, लोगों के साथ ही बेसिकली एक तरीके से एक कनेक्ट हो जाते हैं। वही काम किया गया रामानंद के द्वारा। अभी रामानंद भी गए और इनफैक्ट जो था ये काशी में आ गए, काशी इन द सेंस आज की डेट की बनारस, यहां पर आ गए, या साउथ इंडिया से काशी में आ गए। काशी में आने के बाद इन्होंने कहा कि देखो यार, संस्कृत में अगर हम बातें करेंगे तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू गेट व्हाट एग्जैक्टली आई एम प्रीचिंग, जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो नहीं समझ पाएंगे लोग। इस वजह से इन्होंने हिंदी का यूज किया, हिंदी को इन्होंने देखा, हिंदी को इन्होंने अडॉप्ट किया और हिंदी से ही इन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी और काफी अच्छा खासा जो होता है इनके फॉलोअर हो गए थे। तो एक छोटी सी बात थी जो आपको अगेन जाननी जरूरी है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य ने लिखा हुआ, मतलब कि प्रोफाउंडर थे, इनकी जो राइटिंग है बेसिकली वेद सार, वेद संग्रह और वेद द्वीप है। कैसे याद करेंगे, तो आप देखिए तीनों में कॉमन है, वेद सार है, संग्रह है और दिस इज सार संग्रह एंड द्वीप, द्वीप ठीक है, द्वीप है एक्चुअली। इसके अलावा श्री भाष्य और गीता भाष्य, तो ये भाष्य भाष्य हो गया, श्री गीता। तो अगेन जो होता है, देखिए किसी भी तरीके से आपको ट्रिक लगा करके या फिर कुछ बना करके आपको याद ही करना है। आगे बात करें तो ब्रह्म, ब्रह्म जो है, ब्रह्म के लिए ये है द्वैतवाद, दिस इज द्वैतवाद। जो द्वैतवाद है फिलोसफी, ये बेसिकली प्रोफाउंड की गई थी माधवाचार्य के द्वारा। माधवाचार्य ने राइटिंग जो लिखी है उसका नाम है सूत्र भाष्य, दिस इज सूत्र भाष्य। क्लियर हो गया क्या चीज है। आगे रुद्र विष्णु, मतलब कि शिव के लिए लिया गया है और ये बेसिकली शुद्ध द्वैतवाद है, दिस इज शुद्ध द्वैतवाद। यहां पर जो है वल्लभाचार्य ने इसको प्रोफाउंड किया हुआ है और इनकी जो राइटिंग है वो सुबोधिनी और सिद्धांत संग्रह है, बेसिकली सिद्धांत रहस्य, सॉरी सिद्धांत रहस्य है। लास्टली सनक संप्रदाय आते हैं, सनक का मतलब थोड़े से होते हैं ना लोग सनकी टाइप के, तो खैर सनक संप्रदाय। और यहां पर जो होता है द्वैता द्वैतवाद, दिस इज द्वैता द्वैतवाद। ये है बेसिकली यहां पर सिस्टम और ये प्रोफाउंड किया गया था निम्बार्क के द्वारा। और यहां पर इनकी जो राइटिंग है वो बेसिकली वेदांत परिजात और साथ में 10 श्लोक सिद्ध रत्न, तो ये बेसिकली इनकी दो राइटिंग्स है, ये दोनों के बारे में याद रखना है आपको। कैसे याद करेंगे, देखिए विष्णु जी विशिष्ट हैं, ब्रह्म, ब्रह्म को तोड़ा नहीं जा सकता इसलिए द्वैतवाद, यहां से दो दो कर लीजिए। रुद्र गुस्सा हो जाएंगे इसीलिए शुद्ध रखना पड़ेगा इनको। सनक सनकी लोग हैं, दो दो बार बोलेंगे तो द्वैता द्वैत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बाकी इससे रिलेटेड इन लोगों को तो खैर बार बार आपको रिपीटेड रिविजन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्लियर। आगे अगर बात करें भक्ति मूवमेंट के बारे में, तो देखिए भक्ति मूवमेंट प्रोवाइडेड एज पर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज हिंदी मराठी बंगाली कन्नड़। इसमें सीन यही है कि सब लोगों ने जिस तरीके से रामानंद ने लोकल लैंग्वेज का यूज किया फॉर द प्रीचमेंट ऑफ द फिलोसफीज, सेम वैसे ही बाकी लोग भी जो आगे भक्ति मूवमेंट में जुड़ते गए उन्होंने भी यही काम किया था, अपने लोकल लैंग्वेज का यूज किया था। जैसे कि अगर मीराबाई के बारे में बात करें तो मीराबाई जो होती है एक्चुअल में तो गुजरात की थी, गुजरात का मतलब कि यहाँ पर इनकी मतलब राजकुमार घराने की थी और इस पे जो है अटैक हो गया था, इन पर अटैक हो गया था, इनके हस्बैंड जो होते हैं वो मारे गए थे और अल्टीमेटली इनको जो होता है लोकेट कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था राजस्थान में। जब ये गुजरात में थी तो गुजराती लैंग्वेज से यूज करती थी, जब ये राजस्थान में गई तो राजस्थानी में फिर जो होता है अपनी राइटिंग्स करने लगी और अल्टीमेटली हिंदी तो इनकी लैंग्वेज थी ही।
तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज में बेसिकली जो होती है सारी बातें कही हैं। बचपन से ही इनका जो मन था वो कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था, तो इस तरीके से खैर ये सब कहानियां नॉट इम्पॉर्टेंट, और इसी वजह से इतना इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूं मैं। ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में हिंदी की अगर आपके पास सब्जेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। रस खान हो गए, कबीर हो गए, रहीम हो गए, तो इन लोगों के दोहे जो होते हैं वो पढ़ने को मिलते हैं। और अगर आप यूपी बोर्ड के होंगे तो पूरी की पूरी किताब ही हुआ करती थी हमारे टाइम में। खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लोअर क्लास रोज टू द पोजीशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो लोअर क्लास था ऑब्वियसली वो बहुत परेशान था, इस वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब इस तरीके की चीजों के साथ वो इनकाउंटर किया तो काफी ज्यादा जो होता है वो पैटर्नाइज किया, काफी ज्यादा वो जो होता है इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और इस तरीके से अच्छी खासी इंपॉर्टेंस लोअर क्लास में आ गई। भक्ति मूवमेंट गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू मेन एंड वुमेन विच गेव वे टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। अगेन द सेम थिंग, वुमेन की कंडीशन भी कहीं ना कहीं जो लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी वही उसी के इक्विवेलेंट थी, भले ही वो माना जाए या ना माना जाए, बट द पोजीशन वॉज क्वाइट सिमिलर विद द लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसी वजह से सेम वही चीज जब इनको भी मौका दिया गया तो इन लोगों ने भी जो होता है काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आगे अगर बात किया जाए भक्ति मूवमेंट के बारे में, तो देखिए भक्ति जो भक्ति युग आता है, मतलब कि भक्ति जो पीरियड आती है, वो बेसिकली दो तरीके के लोग आते हैं इसमें। एक लोग होते हैं जो सगुण, मतलब कि सगुण भक्ति का मतलब हो गया, दिस इज सगुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब ये हो गया कि जो लोग अवतार में विश्वास करते थे, मतलब किसी न किसी स्टैच्यू में विश्वास करते थे, और बेसिकली यहाँ पर दो लोग आते हैं। एक आते हैं जो राम भक्ति करते थे और दूसरे होते हैं जो कृष्ण भक्ति करते थे। कृष्ण भक्ति दूसरे जो थे वो निर्गुण भक्ति के थे। निर्गुण भक्ति का मतलब कि ये गॉड विद एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर बातें करते थे, और यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के लोग थे। एक थे जो ज्ञान की बातें करते थे, जिन्हें ज्ञानाश्रयी बोला जाता है। ज्ञानाश्रयी मतलब कि ये फिलोसफीज को बेसिकली प्रीच करते थे इंस्टेड ऑफ स्टैच्यू, मतलब कि किसी अवतार वगैरह के बजाय जो होता है ये ज्ञान मार्गी थे। दूसरे हैं जो प्रेम मार्गी थे, मतलब कि लव डिवोटीज के तरीके से थे। तो प्रेम मार्गी जो प्रेम मार्गी थे, इनके जो कह लीजिए कि इस कैटेगरी में जो थे, जो कह लीजिए कि जो होता है राइटिंग्स कर रहे थे, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। दिस इज मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानाश्रय में अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कबीर हो गए, इसके अलावा मलूक दास हो गए, दिस इज मलूक दास, दादू दयाल हो गए, इसके अलावा गुरु नानक हो गए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग बात भी करेंगे एक एक करके। कृष्ण की भक्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीन काफी इंपॉर्टेंट है। एक है जो सूरदास है, दूसरे मीराबाई है, और तीसरे जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। दिस इज चैतन्य महाप्रभु, महाराष्ट्र के महाप्रभु। क्लियर हो गया क्या है? राम भक्ति के लिए दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, वन इज द रामानंद सबसे पुराने, और इसके अलावा तुलसीदास। अब देखिए इन दोनों लोगों ने रामचरितमानस लिखी हुई है, मतलब एक ने रामायण लिखी हुई है रामानंद ने, और दूसरे ने तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी हुई है। इनके बारे में अगर वन बाय वन करके अगर डिस्कस किया गया तो बेसिकली ये देखिए पूरी टेबल है जो भरी भरी है, लेकिन खैर इसमें जो चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वन बाय वन करके। जैसे हमारे कबीर साहब हैं, कबीर साहब जो होते हैं वो निर्गुण भक्ति के थे, दिस इज निर्गुण, और निर्गुण में भी ये बेसिकली जो है वो ज्ञानाश्रयी वाले थे, ये ज्ञान वाले थे। यहाँ पर इनकी जो राइटिंग है वो साखी, सबद, रमैनी और बीजक। बीजक को इन्होंने केवल और केवल बोला था और कंपाइल किया गया था इनके एक डिसिपल थे जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने बेसिकली इनके जो भी भजन थे या जो भी इनके दोहे थे उनको जो होता है यहाँ पर कंपाइल किया गया है। अब कबीर के बारे में आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कहाँ पर मरे, कौन सी विधवा, क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है। दीज आर ओनली स्कूल एग्जाम से पूछे जाते हैं, सब एग्जाम में आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरा आगे बात करें तो दादू दयाल भी सेम वही निर्गुण भक्ति के वाले हैं और ज्ञान मार्गी हैं, ये भी ज्ञानाश्रयी वाले ही हैं। इन्होंने जो
इनकी राइटिंग है उनका नाम है परम ब्रह्म, और इन्होंने जो होता है दादू पंथी एक सेक्ट भी चलाया था। कैसे याद करेंगे? देखिए, याद करने के लिए दादू मतलब कि दादू इन द सेंस कि एक तरीके से बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में क्या होता है, परम ब्रह्म जो बुढ़ापे वाले लोग होते हैं वो परम ब्रह्म होते हैं, और दादू और क्या होते हैं, अपनी ही चला रहे होते हैं। बूढ़े लोग क्या होते हैं, अपने ही चला रहे होते हैं, नहीं चलाएंगे तो मुंह फुला लेंगे लोग। तो इस वजह से क्या है, दादू पंथी सेक्ट भी हो गया। समझ में आ गया। आगे मल्लुकदास के बारे में बात करें तो ये जो होता है राम और रहीम ये दोनों एक ही है, ऐसा इन्होंने बोला हुआ था। संत रैदास के बारे में बात करें तो ये देखिए जो होता है ये लोवेस्ट सेक्शन मतलब कि ये जो है वो कह लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट में आते थे, हरिजन थे, और इन्हें संतों का संत बोला जाता है, सेंट्स ऑफ द सेंट, संतों का संत बोला जाता है। और ये कबीर के कंटेम्पररी थे, कबीर के समकालीन थे, एक ही टाइम के थे। रज्जब के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने कहा था कि देखिए जो संसार है वो वेद है और जो ब्रह्मांड है वो कुरान है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं जो होता है मल्लुकदास की फिलोसफी वाले थे, और उन्होंने कहा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम एंड बोथ इज द वे टू अटेन द सेल्वेशन। तो ये चीज हो जाती है। सूरदास अच्छा यहां से ये सारे लोग क्या है, निर्गुण भक्ति वाले ही है और ज्ञान मार्गी ही है। सूरदास आते हैं, सूरदास जो होते हैं कृष्ण भक्ति के हो जाएंगे ऑब्वियसली, और ये हो जाएंगे सगुण भक्ति धारा के। क्लियर। इनकी जो राइटिंग्स है वो है सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नल दमयंती जो होते हैं वो बेसिकली हस्बैंड वाइफ थे, व्याहलो, ये लोग जो है सीन थे। इनफैक्ट इन आवर मतलब स्कूल डेज हम एक सूर सरावली और सूर सागर के हम लोगों को दोहे पढ़ाए जाते थे, बट अब तो एजुकेशन सिस्टम आप लोग देख ही रहे हैं कितना बदल गया है। नेक्स्ट थिंग आती है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को कई नामों से जाना जाता है। इनके नाम है जैसे निमाई बोला जाता है, विश्वंभर भी बोला जाता है, विद्यासागर भी बोला जाता है, और साथ में गौरांग महाप्रभु भी इनको बोला जाता है। काफी ज्यादा फेमस थे इन द डेक्कन रीजियन और मतलब इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। मीराबाई के बारे में अगर बात किया जाए, इनके पदावली अगेन काफी अच्छी भी है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। तुलसीदास के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर भी अगेन इनके कई सारे मतलब इनके तो कई सारी स्टोरीज थी कि ये जो होते हैं अपने मतलब लव टेल्स में ही पड़े रहते थे, लेकिन खैर फिर आगे बाद में इनको ज्ञानवान हुआ, अल्टीमेटली जाकर के राम भक्ति में लग जाते हैं। तो ये बेसिकली राम भक्ति के हैं। तो ये सूरदास हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए और मीराबाई हो गए, तीनों के तीनों कृष्ण भक्ति और सगुण भक्ति धारा। तुलसीदास राम भक्ति, सगुण भक्ति धारा। क्लियर हो गया कौन है। इनकी जो राइटिंग्स है, गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, कवितावली हो गई, श्री कृष्ण गीतावली हो गई, राम लला नरछू हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गई, बरवई रामायण हो गया, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और विनय पत्रिका। तो ये बेसिकली कुछ राइटिंग्स है इनकी, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम लोग ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर के बारे में, इन्होंने मराठी मतलब कि महाभारत को मराठी लैंग्वेज में जो होता है वो ट्रांसलेट किया था, और ज्ञानेश्वरी एक सेक्ट चलाया हुआ था। एकनाथ ने इसी ज्ञानेश्वरी सेक्ट का एक न्यू एडिशन जो होता है वो ऐड कर दिया था। रामदास के बारे में अगर बात करें तो राम जी क्या है, धाकड़ आदमी है, तो धाकड़ मतलब धाकड़ी सेक्ट। तो इस तरीके से अगेन आप याद कर सकते हैं। तुकाराम के बारे में बात करें तो तुकाराम ने एक सेक्ट चलाया था, दिस इज वरकारी सेक्ट। नामदेव के बारे में बात करें तो दिस इज मतलब कि जो नामदेव के जो भजन्स हैं वो बेसिकली जो होता है गुरु ग्रंथ साहिब के मतलब जो जो बुक है उसमें जो होता है मेंशन किए गए हैं। इनफैक्ट नामदेव ही नहीं, केवल जो हमारे रैदास साहब हैं इनके भी जो भजन्स थे, मोर देन 30 भजन जो होता है वो इंक्लूड किए गए हैं इसी गुरु ग्रंथ साहिब में। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो अगेन देखिए पूरी पूरी टेबल आपको याद करनी है, कंटिन्यूअसली इसका रिवीजन करते रहिए, यही पूरा का पूरा भक्ति है, यही पूरा का पूरा भक्ति मोमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। काफी बड़ा नहीं है, छोटा ही चीज है, छोटे सेक्शन ही है, बस क्या है कि इसको थोड़ा सा मेहनत करके ज्यादा क्वेश्चन मतलब कि सही करने के चांसेस हो जाते हैं। आगे अगर बात करें भक्ति मूवमेंट के बारे में तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब सिख भक्ति मूवमेंट मतलब कि सिख लोग कौन कौन से थे। तो पहले आ जाते हैं गुरु नानक। गुरु नानक और इन लोगों के बारे में और हम लोग डिटेल्ड मतलब कि जो दसों गुरु थे उनके बारे में हम लोग डिटेल्ड चर्चा करेंगे जब हम लोग सिखिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में तो वहां पर सिखिज्म के बारे में बात करेंगे तो वहां से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल भक्ति में बात करें गुरु नानक की तो गुरु नानक वॉज बॉर्न इन तलवंडी नियर लाहौर, तो लाहौर में इनका जन्म होता है। सिख धर्म के फाउंडर थे ही। कंडेम्ड कास्ट डिफरेंस एंड रिचुअल्स लाइक बेदिंग इन होली रिवर्स,
He established a center at Kartarpur. और यही करतारपुर बेसिकली जो होता है आज की डेट में करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है अपने लास्ट डेज में, मतलब जब इनकी डेथ होने वाली थी, ये करतारपुर ही चले गए और इसी वजह से सिख का ये मतलब काफी पवित्र जगह, सीक्रेट प्लेस माना जाता है, डेरा बाबा नानक बोला जाता है ऑन द रिवर रावी। जैसे क्या है कि दो इनके कह लीजिए कि जो होता है गुरुद्वारे हैं, एक है जो अमृतसर में है, अमृतसर में मतलब स्वर्ण वाला नहीं, स्वर्ण मंदिर नहीं, गोल्डन टेम्पल नहीं, वो समथिंग डिफरेंट है। ये जो होता अटारी बॉर्डर पे ही पड़ता है, यहाँ पर भी एक कह लीजिए कि जो होता है गुरुद्वारा पड़ता है, लेकिन इसके बाद जो करतारपुर में है मतलब कि क्रॉस करके 18 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर मोर नियर अबाउट 22-25 किलोमीटर पड़ता है करतारपुर, वहां पर भी इनके बेस्ट श्राइन्स है और वहां पर जो होता है ये करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है ऑन द रिवर रावी। हिज आइडिया ऑफ रिलीजन वॉज हाईली प्रैक्टिकल एंड स्ट्रिक्टली मॉरल। हिज वन ऑफ द फेमस सेइंग वॉज अबीरे प्योर अमिडस्ट द प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। गुरु अंगद के बारे में अगर बात करें तो गुरु अंगद ऑल्सो इज नोन एज लहना वॉज अपॉइंटेड बाई गुरु आफ्टर हिज डेथ। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी एंड एडेड हिज ओन कंपोजिशन एज वेल। तो अपने खुद के भी डाले गए थे और इनके भी कंपोजिशन डाले गए थे, इसके अलावा संत रैदास का भी डाला गया था और एकनाथ जो थे उनके भी डाले गए थे। तो ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से गुरु ग्रंथ साहिब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे अगर बात करें गुरु अर्जन के बारे में तो ही वॉज द फिफ्थ गुरु, ही कंपाइल्ड द राइटिंग ऑफ थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद हु रोट अंडर द नेम ऑफ नाना। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर इन 1604। जैसे होता क्या था ना कि मुगल के साथ में इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, और क्यों नहीं अच्छे थे ये सब बात करेंगे आगे। इनफैक्ट गुरु नानक के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सूफिज्म के बारे में कल, और वहां पर हम लोग देखेंगे एक बाबा फरीद थे, बाबा फरीद बोलिए या शेख फरीद बोलिए, वो जो है कंटेम्प्ररी थे, और इनफैक्ट बाबा फरीद का भी मेंशन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो अगेन दो जाए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे अगर बात करें लास्ट आ जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो होता है वो दसवें गुरु है, और इन 1706 ही ऑथेंटिकेटेड द कंपाइलेशन विच वॉज एडेड विद द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर लाइक शेख फरीद। शेख फरीद मतलब यही बाबा फरीद, इनके जो होता है मेंशन किया गया है, संत कबीर हो गए और इसके अलावा भगत नामदेव हो गए, गुरु तेग बहादुर हो गए, इज नॉट नोन एज अ गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस तरीके से पूरी बुक में इनका मेंशन किया गया है। द टाउन ऑफ रामदासपुर दैट इज इन अमृतसर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब। और ये जो हरमंदर साहिब है यही जो है गोल्डन टेम्पल है। तो गोल्डन टेम्पल मतलब हालांकि पहले तो एक हरमंदर मंदिर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको जो होता है गोल्डन मतलब गोल्डन छत्र वगैरह दे दिया गया था, जिससे गोल्डन टेम्पल बाद में कहा जाने लगा था। बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी इट वॉज ऑलमोस्ट सेल्फ गवर्निंग एंड इज रेफर्ड एज ए स्ट्रीट विद इन द स्टेट कम्युनिटी। जैसे इसमें भी क्या होता है सिखिज्म में, आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो सेक्ट आते हैं, नामधारी होते हैं और एक और दूसरे भी होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है जो कह लीजिए कि गुरुद्वारा चलाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और उनके भी अपने इलेक्शंस होते हैं, अपनी सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आगे सिखिज्म में आएंगे, इनफैक्ट जो होता है लास्ट टू लास्ट ईयर इस पर एक बहुत कंट्रोवर्सी आ गई थी कि क्यों ये मतलब हेरिडेटरी क्यों रखा जाए, केवल और केवल एक डिफरेंट एक सेक्ट को ही क्यों दिया जाए, और यहाँ पर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पर भी बाकी लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, बाकी सिख वाले लोगों को ही मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई उठा करके ले आया जाए। तो कंट्रोवर्सी हुई थी, खैर आगे बात करेंगे हम लोग जब नया डिस्कशन करेंगे। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। अच्छा, इससे पहले जरा यहाँ पर एक और सीन देख लीजिए, ये बेसिकली जो होता है इंडिया का मैप है जहां पर पूरे हर लोगों को इंक्लूड किया गया। जैसे अगर देखेंगे शंकरा देव, तो ये बेसिकली जो होता है आसाम साइड में थे, और शंकर देव ये जो होते हैं इनके बारे में बस ऐसा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट ये केवल जानकारी रखिएगा। बाकी जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर जो नितिन सिंघानिया बुक है, और जब हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। इनफैक्ट आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इनके बारे में, काफ़ी अच्छा राइटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाहौर में गुरु नानक के बारे में हो गया, दादू दयाल हो गए आपके यहाँ के, मीराबाई हो गई गुजरात की, नरसी मेहता हो गए यहाँ के, एकनाथ हो गए महाराष्ट्र के, ज्ञानेश्वर हो गए, फिर तुकाराम हो गए, नामदेव हो गए, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है। इसके अलावा बसावना हो गए, रामदास हो गए, इसके अलावा जो होता है बाकी नमिलेश्वर हो गए, तो ये सब बहुत सारे लोग हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूरदास के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, रामानंद हो गए, कबीर हो गए, रैदास हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तुलसीदास हो गए,
बाकी चैतन्य जो हमारे चैतन्य देव हो गए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो पर्सनालिटीज हैं विच आर एक्चुअली रिलेटेड विद भक्ति मूवमेंट। तो ये थे बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन भक्ति मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सूफिज्म के बारे में और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, एक ही दिन में सारे कर लेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म एंड ऑल दैट जितने भी हैं जिससे रिलेटेड रहेंगे सारे के सारे फटाफट क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और एक समझ में आ जाएगा कि हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन और किस तरीके से हमें जो होता है पढ़ाई करनी है, कहां पर कितना फोकस करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी गई है, गो देयर एंड आस्क योर डाउट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।